एक बार हम माजुली जा रहे थे, ये फिल्म मेकर जानू बड़ो के साथ हम ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, टिबेट टू द बे ऑफ बंगाल। तो जब फेरी में गए तो एक इंफॉर्मेशन मिला कि उस फेरी में एक दिन के समय एक लड़की की डेथ हो गई, क्योंकि वो उनकी कुछ प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, और डिलीवरी से पहले जब वो हॉस्पिटल जा रही थी जोरहाट, उसी से में उसकी डेथ हो गई। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ करना चाहिए, लेकिन पत्रकार क्या कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन बहुत दिन हम इस बारे में सोचा, और मुझे ये आइडिया है कि वो तो सर्विस के लिए जा रही थी ना, तो सर्विस उनके पास जाना चाहिए। लोग जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जो गरीब है, वो सर्विस के लिए क्यों जाएं, सर्विस उनके पास आना चाहिए। तो और वो सर्विस कैसे डिलीवर हो सकते हैं, ना हम पुल बना सकते हैं, ना गाड़ी तो नहीं चल सकते, हेलीकॉप्टर सर्विस तो वो तो आश्चर्य की बात है। तो मैंने सोचा कि एक बोट हो जाए, जिसमें नॉर्मल बोट जिसमें सर्विसेज हो जाए। वर्ल्ड बैंक का एक कॉम्पिटिशन आया था पहले बार इंडिया में, इंडिया मार्केट प्लेस कॉम्पिटिशन, जिसमें वो लोग कॉम्पिटिशन इस चीज़ के बारे में था कि रूरल आइडियाज़ में रूरल गैप्स कैसे ब्रिज करें। तो मेरा आइडिया तो अवार्ड विनिंग आइडिया था, द हेडलाइन विच इज़ अ शिप ऑफ होप इन अ वैली ऑफ फ्लड। मैंने सोचा टाइटल के ही लिए जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करें, जीत गए, ज़्यादा पैसा तो नहीं थे, $920,000 उस समय करीब 9 लाख की करीबन थे, 9-10 लाख की। तो हमने डिब्रूगढ़ गए, जहाँ हमारे सपोर्ट सिस्टम अच्छे थे, लोग को हम पहचानते थे, और एक बोट बिल्डर को मिला, क्योंकि मेरा आइडिया अलग था, बोट बिल्डर का आइडिया अलग था, तो दोनों को कनेक्ट करना चाहिए ना। मैं थोड़ा मॉडर्न टाइप बोट चाह रहा था, लेकिन वो बोल रहे थे वो तो नहीं चलेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक ही चलेगा। तो उसे शुरू किया था 2005 साल में, अभी 13 साल हो गया। सो फिर मैंने MOU साइन किया, मैंने खुद ड्राफ्ट किया, MOU साइन किया, फर्स्ट PPP असम में ऐसे हुआ था।